Hello dear students, how are you all? So this is the third part of the same chapter for class 7th which was going on, Architecture in Medieval India. So आज जो हम लोग बात करेंगे, interesting topic है मुगल्स के Indo-Islamic architecture के बारे में. So let's get started with wasting any time. Okay, as you can see, Indo-Islamic architecture के बारे में हम लोग बात करते हैं. With the rise of Delhi Sultanate and Mughal rule in India, evolution of distinct Indo-Islamic style of architecture took place. The Central Asian style of these Muslim rulers blend with well इंडियन आर्किटेक्चर फॉर्म ऑलरेडी इन यूज. अब क्या होता था कि जैसे दिल्ली सुल्तानियत का राज बढ़ा, जैसे उसके बाद मुगल्स आए, तो उनका जो इंडो इस्लामिक स्टाइल था आर्किटेक्चर का, वो इंडिया के साथ बहुत हद तक मिलता था. और आज भी आप देख सकते हैं, जामा मस्जिद उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ताजमहल इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट. स्टोन सच एज रेड स्टोन, येलो स्टोन, मार्बल वर मोस्ट प्रेफर्ड building materials, while the slave and Khilji architect preferred red sandstone. Mughal architect used plenty of white marble, jiska ek bahut bada example, white marble ka ek bahut bada example hai Taj Mahal, jo ki Shahjahan ne bahut wide concept mein use kiya tha. The use of lime as mortar for the building purposes was also a major development. In order to make a wider entrance, मतलब एक बहुत चौड़ी जो एंट्रेंस होती थी, जो आप देख सकते हैं आपके वीडियो में, ये बेसिकली ये जो एंट्रेंस दे रखी है, वाइड एंट्रेंस दे रखी है ये, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन थी मुगल्स के टाइम में. विच हैड द टू परस्पेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता था ट्रू आर्च, एक होता था पॉइंटेड आर्च. अब आप ये देख सकते हैं, ये हो गया हमारा ट्रू आर्च, मतलब ये पॉइंटेड नहीं है, ऊपर को पॉइंटेड नहीं है, एक बहुत एक वाइड एक आर्क है पूरा ओपनिंग, जैसे आप ये देख सकते हैं. पॉइंटेड आर्च होता था मतलब कि एक पॉइंट तक सीमित, एक पॉइंट तक चला जाता था दोनों साइड से और एक्सटेंड करता था. द मेसन यूज्ड की स्टोन एंड अदर स्टोन्स ऑन द बोथ साइड so that they stayed together by the pressure of force. Force के pressure से keystone का मतलब होता है एक ऐसा stone जो कि arc के बीच में होता है, जिसकी आप कह सकते हो ये जो side है वो पतला हो और end में चौड़ा हो, जो कि दोनों के side वाले ईंटों से stone से वो मिला रहे और force से जुड़ा रहे. ये keystones थे आर्क पे, बिल्कुल आर्च पे होते हैं. आप ये देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से नैरो हो गया और ऊपर जाके वाइड हो गया. तो दीज आर द की स्टोन जो कि जोड़े रखते थे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सो लेट्स डिस्कस अबाउट डोम्स एंड डबल डोम्स. ये क्या होती थी? डोम्स एंड डबल डोम्स आर other distinct feature of Indo-Islamic architecture. The double dome comprises of inner and outer layer of the ceiling is placed over such a way that the proportion of the exterior is not disturbed. अब double dome वो dome होती थी जिसमें अंदर भी आप dome ये देख सकते हैं और बाहर भी dome होती थी, मतलब एक ऐसा structure गुम्बद जिसे कहते हैं, अंदर भी होता था और बाहर भी होता था. बाहर अंदर का ऐसा place होता था जो कि बाहर का ratio बिल्कुल ना बिगाड़े. आप देख सकते हैं बिल्कुल एक systematically, एक symmetrically even है ये. तो अंदर की डूम भी ऐसी इस तरीके से बनाई जाती थी जिससे कि बाहर का प्रोपोर्शन बिल्कुल ना बिगड़े. इट वॉज द ऑक्टागनल शेप, जो कि हमारे एट साइड्स की शेप होती है ऑक्टागनल. सो द मुगल आर क्रेडिटेड विद हैविंग इंट्रोड्यूस द डबल डूम इन आर्किटेक्चर. सो मुगलों को हम लोगों ने इस बात का एक क्रेडिट दिया है कि डबल डूम्स लाने वाले मुगल ही थे हमारे इंडिया में, जिसका एक बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है जामा मस्जिद. आप देख सकते हैं उसमें भी डबल डूम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस मीनार
मिनारेट्स एंड टॉल लीन टावर्स, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, कभी डिस्कशन नहीं हुआ इसके बारे में। ये जो लीन टावर्स देख रहे हैं आप, पतले पतले ऊपर होते होते हल्के हल्के पतले हो जा रहे हैं टावर्स, तो ये होते थे मिनारेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात। द यूज ऑफ मीनार और टॉल एंड लीन टावर बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ सुपर इम्पोज स्टोरी ऑफ डिक्रीजिंग साइज वॉज वेरी कॉमन। मतलब एट द टाइम ऑफ मुगल दिस डिक्रीजिंग टावर्स की जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा कॉमन था उस टाइम पे, और उसका भी आज एग्जाम्पल है हमारे पास। जामा मस्जिद के जो लीन टावर्स हैं, द एंट्रेंस टू द अकबर टोम इज ऑल्सो अ क्वाइट एग्जाम्पल, एंड कुतुब मीनार। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुतुब मीनार भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही स्टोरीज बढ़ाई गई। अगर नहीं बढ़ाई जाएंगी तो वो कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर बेकार हो जाएगा, वो कभी भी ढह सकता है। लेट्स डिस्कस अबाउट दी फ्लोरल पैटर्न्स एज वेल एज फ्यू ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, बात कर लेते हैं उसके बारे में, पैटर्न्स के बारे में। ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न्स इंक्लूडिंग मोटिव्स सच एज लोटस, बेल एंड स्वास्तिका वर ब्यूटिफुली कार्व ऑन दी वॉल्स। मतलब उस टाइम पर फ्लोरल पैटर्न्स जो होते थे, आपके ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो होते थे, जो आप देख सकते हैं अपने सामने स्लाइड पे, वो बहुत ज्यादा कॉमन थे और यूज होते थे उस टाइम पर बेसिकली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का यूज भी बहुत ज्यादा होता था। अब आप लोग पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मींस द रिटन लैंग्वेज, नो मैटर की लैंग्वेज कौन सी है, बट रिटन लैंग्वेज वेरी ब्यूटिफुली, बहुत एक खूबसूरत लिखी हुई लिखावट जो कहते हैं उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। कुतुब मीनार की वॉल पे अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, एंड एक्सटीरियर ऑफ ताजमहल, कैलीग्राफी का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। ये उर्दू लैंग्वेज में बेसिकली दे रखा है। So patterns were often combined with the panels of inscription, मतलब calligraphy गुदी हुई इसमें language लिखी होती थी, which consisted of words from the Quran. The combination of all the decorative device came to be known as arabesque. So the main combination of decorative device, मतलब patterns का combination और calligraphy का combination collectively arabesque कहा जाता है उसे। Moving on to the next slide. We have in front of us, so I am reading out for you. Mughals also introduced Pitra Dura style of inlay decorations in India, that is floral designs made of semi-precious stone to decorate the walls. मतलब basically marbles को use करके और ऐसे कुछ पत्थर use करके colorful जिससे floral patterns develop करिए जाएं, तो ये आप देख सकते हैं उसमें दे रखा है। So next we are discussing about the gardens. So gardens of the Mughal were basically divided into four halves. So the Mughal tombs were generally placed at the center of huge garden complex. The garden complex were divided into square compartments, चार बाग जिन्हें कहा जाता था। Center में fort, एक उनका पूरा घर आप कह सकते हो, उनका महल, और उसके जो exterior में पूरा garden, which was basically divided into four halves. जिसे चार बाग कहा जाता था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो बाउलीज वर और स्टेप वेल्स सर्व्ड एज वेल्स इन विच वाटर कुड बी एक्सेस्ड बाय डिसेंडिंग अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। अब क्या होता था उस टाइम पे, डैम्स वगैरह तो होती नहीं थी स्टोर करने के लिए, तो ऐसी बाउलीज का एक आप कह सकते हो निर्माण हुआ था, जो कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टेप्स नीचे चढ़ोगे, सीढ़ियां नीचे जाओगे, तो आपको यू विल मीट द ग्राउंड वाटर। तो ये अग्रसेन की बाउली इन दिल्ली है। सो इसमें बेसिकली आप ये वाटर एक्सेस करने का काम करती थी, मतलब आप कह सकते हो किंगडम के यूटिलाइजेशन में जो वाटर चाहिए होता था तो यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता था बेसिकली। So let's discuss about this picture. The private masons called mansions called havelis served as the homes or to the noble and wealthy traders and merchants. अब क्या होता था, कुछ अमीर merchants होते थे, कुछ अमीर traders होते थे, उनके लिए basically हवेलीज का निर्माण किया गया था, हवेली बनाई गई थी और वो उस हवेली में शानो शौकत के साथ जीवन अपना व्यतीत करते थे। द हवेली सॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम पर्शियन
Central Asian, Indian and Islamic style of architecture. So as you can see in front of you. So that's all for the video. I hope you have considered all of my efforts and followed this channel. Also subscribe this channel for the various updates. So thank you so much for watching.